हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? यार किधर हो तुम लोग? हैं मतलब जब से क्वारंटाइन है, तो ये वर्ड जो है ना अजाब है, क्वारंटीन बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ बंदे क्वारंटाइन बोल रहे हैं, वैलेंटाइन क्या है भाई। खैर कैसे हो तुम सब? उम्मीद करता हूँ ठीक हो गए। तो यार देखो, सीन ऐसा है कि रमज़ान चल रहे हैं, मेरी तरफ से थोड़ा सा लेट पर मुबारक आपको रमज़ान, मतलब कम से कम मुबारकबाद तो दिए ना लोग, तो वो भी नहीं कर रहे यार, याद ही नहीं कर रहे क्वारंटाइन में। खैर तो दादा देखो, कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारे पास। जो दो तीन ब्लॉग बचे हैं वो ही एडिट किए हैं, उनमें से एक ब्लॉग है हम मेरे सेंटर की पिकनिक, सेंटर वालों के साथ पिकनिक पे गए थे, बड़ा मज़ा आया था, तो वो वाला ब्लॉग मैं आज को आप लोग को दिखाऊंगा। और चलो फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। देखो आप लोग सारे बॉयज रेडी हैं? हसन, मोइज, समद दूसरी बार आ रहा है मेरे ब्लॉग में, और ये जईम है, दानियाल, दिशाद और रकीब, और ये एज यूजुअल हमजा, हमारा क्लास फेलो। हम सब सेंटर वाले मिलके जा रहे हैं, और ये हमारी सारी चिल्लर पार्टी, सेंटर वाले मिलके जा रहे हैं, तो वॉइस मतलब फुल ऑन थी। और ये बंदा हमजा, ये भी एक हमजा, और ये हमारी धन्नो। ये हमारी गाड़ी है जो हमें दूर दूर तक लेकर जाएगी। ये हमारा सेंटर, ये सारे बच्चे सामान मजदूरी कर रहे हैं, सामान वामान निकाल के लेके जाएंगे पोस्टर में। I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Come the famous are gaye hai! Sare ek se badhkar hai. Ye pagal hai, log pagal hai. मेरे हारिस भाई से, अस्सलाम वालेकुम। हारिस भाई मेरे ट्यूटर हैं, मुझे ट्यूशन देते हैं, और हारिस भाई हम पिकनिक पे आए हैं, और शागिर्द हैं, हम पिकनिक पे आए हैं 2020 की पिकनिक पे, फाइनल सारे हमारी गैदरिंग आई हुई है, हां सर वीडियोस में दिखाओ। हाँ यार, तो फाइनली गाइस कितना मजा आया बताओ, बहुत ज्यादा, मतलब अलग ही रिलैक्स हो गया बंदा, फुल चैटर स्वैग हो गया, स्वैग वाला स्वैग। हम लोग लिटरली बहुत ज्यादा फंस गए थे पढ़ाई वगैरह में, अलग ही करते नहीं है, लेकिन बहुत टेंशन थी। तो हारिस भाई आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच हमें ट्रिप देने के लिए, और हम लोग काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत मजा आया।
भाई ये सीन है। और ये रही हमारी कोस्टर, बज रहे हैं शाम के 5 और हमें तकरीबन मगरिब तक घर पहुंचना है, ऐसा सीन है। लेकिन मज़ा बहुत आया, हम सोच रहे थे कि यार नाइट स्टे नहीं है तो इतना खास मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इतना मज़ा आया कि बस तो वी आर अबाउट टू गो। और बस अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। देखो फार्म हाउस पे हमने बहुत मजा करा, बहुत तफरी की सबके साथ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला चलो अब घर घर चलते हैं। देन हम लोग गाड़ी में बैठे और घर की तरफ आने लगे, इतना पता चला कि गाड़ी रुकी। तो हमने बोला क्या सीन है भाई, तो हमारे सर ने बताया कि हम आपको अल्पाइन लेके आए हैं, आइसक्रीम खिलाएंगे एविंग। हमने बोला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम इंजॉय की, वो भी चेक कर लो भाई। तो हमें हमारे सर की तरफ से सरप्राइज मिला है, आइसक्रीम खिलाने लाए हैं उन्होंने अल्पाइन। सारे बॉयस आ गए माशाल्लाह। देखो अल्पाइन अभी खाली है और अब ऐसा भरेगा अच्छा कच। मेरे कान में बोल दो आपके बाद मेरी आवाज बिल्कुल बैठ चुकी है और आइसक्रीम खाने के बाद तो आइसक्रीम खाने के बाद तो बिल्कुल है। ये सलमान भाई है, ये कैमरे के सामने इतना ज्यादा कभी नहीं है जितना आ जाए। ये बिहाइंड मतलब पीछे वर्क करते हैं किसी चीज़ के। माशाल्लाह भाई के 50 के लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे इनका पेज अरहम ट्वीट्स के नाम से। यू कैन गो एंड यू कैन लाइक शेयर एंड बस लुक फॉर नाउ एंटरटेनमेंट। एंड हमारे भाई का स्काई द्वारा सबके नाम से यूट्यूब पे भेजें, सब्सक्राइब करें। पहली बार किसी ने मुझे सके, मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों एक दूसरे का मंजन बेच रहे हैं। इतनी खुशी बदनाम भाई बोल रहा है वैसे। बिल्कुल शरीफ बच्चा हमजा, और सबसे ज्यादा शरीफ बच्चे हो ना इस जर्नी में मेरे साथ, वो है मेरा बॉय। व्हाट्स योर नेम बॉय? और आप क्या करते हो? मतलब वेले शिद्दत से फारिग, सेम है।
जी। तो बस यही यार, यही सीन्स थे, सबने मिलकर आइसक्रीम वगैरह खाई, उसके बाद सब इतना बिजी हो गए, घर आते ही सब उतरे और घर घर भागे, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ऐसे मौक़ों पर। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था, उस दिन ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था तो सोचा आज ब्लॉग को पूरा कर दूँ और आप लोग को दिखा दूँ। तो बस यही था सीन, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।